हरे कृष्णा, हम श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर का श्लोक 4.38 और 4.39 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम श्रीमद् भागवतम की कुछ स्तुति पढ़ लेते हैं, जो कि जिनका हर श्लोक बहुत ही शुद्धि से होता है। हमने देखा कि भगवान कृष्णा और अर्जुन के बीच कितनी वार्ता हो रही है, लेकिन भागवतम में अर्जुन ने कुछ भगवान के लिए कुछ चंद लाइनें बोली है, सिर्फ 3 श्लोक बोले हैं। वो श्लोक पहले हम एक पढ़ लेते हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्त नाम भयंकरम त्वमेको देहमानानां पारवर्गो असि संसद्धे त्वमादे पुरुषम साक्षात ईश्वरा प्रकटे परा माया व्यद्यस्य चिच्छक्त्या केवलेस्थित आत्मनि सा एव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसा विदत सेस्वेन वीर्यणे श्रेयो धर्मादि लक्षणा तथायं चावतारस्ते भूवो भाजिरिष्या स्वानाम चानन्य भावानाम नुध्यान्य चास्कृता। अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्णा के लिए, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही सर्व कारण कारणम हैं, आपकी जो शक्ति है उसकी कोई सीमा नहीं है, आप एकमात्र भगवान है और आप ही अपने भक्तों के हृदय में वास करने वाले हैं, आप अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने वाले हैं। इस संसार में जो भी व्यक्ति भौतिक चेष्टाओं में फंसा हुआ है, आप उनकी रक्षा करते हैं, मतलब भक्तों की रक्षा करते हैं। आप आदि भगवान हैं, आप सब समस्त सृष्टियों के विस्तार हैं और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। इस संसार का भार हटाने के लिए और अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आप बार बार इस संसार में आते हैं। तो हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था कि क्या बताते हैं भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामयं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाथार्य संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जहां जहां भी जब जब भी धर्म का पतन होने लगता है, मैं आता हूँ, मैं साधु की रक्षा के लिए आता हूँ। अब यहाँ पे धर्म के पतन का मतलब धर्म वो धर्म नहीं है जो हम बहुत सारी दुकानें चल पड़ी हैं धर्म के नाम पे, या धर्म के अर्थ है कि जब भगवान की स्तुति भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचता है, जब भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, जब भगवान की गायन रुकने लगते हैं तो भगवान उनको दोबारा करवाने के लिए संसार में आते हैं, इसका अर्थ ये है। तो अब हमने लास्ट टाइम कैसे पढ़ा, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो उससे पहले भगवान अपने गुरु को प्रणाम करके करेंगे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे देवी शेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ओम अज्ञानते वीरांधस्य ज्ञानंजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषवानुसुते देवी परमामी हरि प्रिय वांछा कल तरु भेष कृपा सिंधु भेवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे सर्वप्रथम सुंदर गोपाल प्रभु को दंडवत प्रणाम, सीता दीदी को दंडवत प्रणाम, प्रभुपाद जी को भी दंडवत प्रणाम और आप सब भक्तों को भी बहुत बहुत प्रणाम। तो अब हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर। लास्ट हमने रिकैप किया था फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर हमने कैसे किया, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं एज अ फ्रेंड। अब दुर्योधन जो जिसको हम दुर्बुद्धि कहते हैं, उसके सामने भगवान खड़े थे। भगवान उससे पूछ रहे, बता बेटा तुझे क्या चाहिए, तुझे मैं चाहिए कि तुझे मेरी नारायणी सेना चाहिए। तो उसने बुद्धू ने क्या किया, उसने भगवान को चुनने के बजाय उनकी सेना को चुना। भगवान और भगवान की किसी भी चीज में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जहां भगवान साक्षात खड़े हैं और उनकी कोई चीज खड़ी है तो हमें किसका हाथ पकड़ना है, भगवान का। लेकिन दुर्बुद्धि ने क्या सोचा, मैं सेना को पकड़ूंगा, क्योंकि भगवान ने साफ बोल दिया था मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि कृष्ण ट्रीट करना है। अब उसने देखा
कि भगवान ने उसको ऑप्शन दे दिया। अब दुर्बुद्धि ने क्या किया, दुर्योधन ने, सॉरी हमें वैसे किसी भी जो भी हमारे असुर भी होते हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट दुर्बुद्धि इसलिए बोला जाता है कि उसके पास उसने अपनी बुद्धि का क्या प्रयोग किया, गलत जगह इस्तेमाल किया। अब क्या कहते हैं, दुर्योधन जी ने क्या किया, दुर्योधन को भगवान ऑप्शन दिए तो दुर्योधन ने किसका पक्ष लिया, नारायणी सेना उठा ली। लेकिन अर्जुन ने किसको ले लिया, भगवान को ले लिया, और जिसके साथ भगवान है तो उसकी तो जीत निश्चय ही है। अब इसलिए हम आपको भी बोलते हैं, जब भी हम बोलते हैं ना हम भगवान से क्या मांगे, तो हम भगवान से भगवान को मांगेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो कि हम किसी को भी हम चाहते हैं, हम क्या करते हैं उसके लिए सब कुछ करते हैं कि हमें वो इंसान मिले, उसे हासिल करने के लिए हम क्या नहीं कर देते, उसके लिए गिफ्ट्स ला रहे हैं, उसको पटा रहे हैं, इंप्रेस कर रहे हैं, वो ना भी हो चलेगा, लेकिन हम उसको लगे रहते हैं। लेकिन भगवान को भगवान क्या बोलते हैं, मुझे आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति अप्रच्छति तदम भक्ति प्रहतम अश्वामी पर्यात्मना। आप मुझे छोटा सा पत्र, तुलसी का पत्र, पुष्प फूल फल दोगे तो मैं उससे भी बहुत प्रसन्न होता हूँ। अब तुलसी का पत्र, अब देखो भक्ति कोई भी कर सकता है, और हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का कोई भक्त तो गरीब है, क्योंकि भगवान लक्ष्मी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान के भक्त के पास ना जाए। तो अभी जो हमने फिर फर्स्ट चैप्टर में क्या हुआ, अर्जुन ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, अब अर्जुन क्या हो रहा, कंफ्यूज, जस्ट लाइक हम तो अर्जुन से भी बहुत गिरे हुए, बहुत नीचे लेवल पे फॉल डाउन, हम तो इतना भी नहीं करेंगे, हमने अर्जुन ने हाथ पकड़ा और भगवान कंफ्यूज को भगवान से क्वेश्चन, ये देखो ये फैमिली है, ये फ्रेंड्स हैं, सब कुछ करता है, तो भगवान को लात भी मार रहा है रथ के अंदर कि रथ चलाओ ना कृष्णा, क्या कर, कृष्णा नाम भी ले रहा है। लेकिन भगवान क्या है, भगवान अच्युत है। अच्युत क्या मतलब क्या होता है, जो बिना कारण अपने प्रिय भक्तों को क्या करते हैं, प्रेम देते हैं, तो भगवान अच्युत कहलाते हैं। होता है जब भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं, देखते हैं भगवान देख रहे होते हैं ये कंफ्यूज हो रहा है, तो भगवान क्या कहते हैं, चलो इसे बोलने का मौका दे, वो दे रहे हैं उसे मौका, वो बोलता जा, फिर वो क्या कहता है, वो धनुष रख देता है कोने पे, अब मैं नहीं करूंगा। इस सेकंड चैप्टर में भगवान को आता है थोड़ा सा गुस्सा, वो सोचते हैं अरे मैंने इसे रोका नहीं तो क्या होगा, सब बाजी पलट जाएगी और मेरे भक्त का क्या होगा, यश चला जाएगा। अब भगवान क्या कहते हैं, तू कैसे इस युद्ध को रोक रहा है, आर्य जाति के लिए सब सुटेबल नहीं है, तो वो भगवान उसको समझाते हैं। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, मेरी कृपण बुद्धि है, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, किस शरण में ले रहा हूँ, गुरु रूप में। तो जब हम किसी के आगे गुरु के रूप में ज्ञान समझते हैं तो हमें जल्दी समझ आता है, अगर हम किसी को एज अ फ्रेंड समझ के ज्ञान लेंगे कि चलिए मेरा दोस्त है मुझे ज्ञान दे देगा, ये मेरा फ्रेंड है, मेरा रिश्तेदार है, तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे, वहां प्रतिस्पर्धा आ जाएगी कि अरे यार ये मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, ये तो मेरे लेवल पे। लेकिन जब हम किसी गुरु समझ के लेंगे तो क्या होगा, ठीक है डांट दिया क्योंकि वो ज्ञान देने के लिए बैठा। फिर भगवान उसको आत्मा का ज्ञान देते, आत्मा क्या है, नश्वर है। आत्मा कैसी है हमारी, ये हमारा बाल है, इस अग्रभाग को हमने क्या किया, एक अग्रभाग को, नीचे के अग्रभाग को 10,000 भागों में बांटा और उसमें क्या हुआ, जो एक पॉइंट आया वो क्या है, हमारी आत्मा। तो ये हमारा आत्मा का साइज है, जो ना मरती है ना जन्म लेती है, ना नश्वर है ना जलाई जा सकती है ना भिगोई जा सकती है। भगवान उसको बार बार फोर्स करे तो युद्ध करेगा, क्यों, क्योंकि तेरे मेरे भक्त का मैं यश जाने नहीं दूंगा। भगवान कर सब भगवान रहे, भगवान ने तो दुर्योधन के सामने बोल दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, खड़े जब भगवान साथ में है। कहते हैं जब भगवान का युद्ध जो हो रहा था तो हनुमान जी चक्र में आ गए थे और नीचे जो उनका रथ था वो अग्नि देवता द्वारा प्रज्वलित था, और जहां भगवान होते तो सीता देवी वैभव की लक्ष्मी वहां जरूर आती है। तो सब कुछ भगवान, अर्जुन के साथ सिर्फ कृष्णा नहीं थे, लक्ष्मी माँ भी थी, वैभव देवी भी थी, हनुमान जी भी थे रक्षा करने के लिए उनके धनुष की, और अग्नि देवता द्वारा वो जो रथ था वो सुरक्षित था। भगवान जब आते हैं जिसके संरक्षण में, तो अनेक देवी देवता खुद स्वयं उसकी संरक्षण में उसकी रक्षा करने, उसको आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर गया। फिर हम आज गए थर्ड पे, कैसे हमने कर्म योग के बारे में पता, हमें क्या कर्म करने, कृष्णा से हमें हेल्प ही करनी है, करो, कृष्णा के भी बहुत गरीब भक्त है उनकी करो, उसको भक्त बनाओ, उसको उस तरीके से लाओ कि वो भक्त बने और भगवान की शरण में चला जाए, वो भगवान की शरण में जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास वो सब आ जाएगा जो भगवान अपने भक्तों की जरूरत को पूरा करने के लिए। फिर हम चैप्टर फोर्थ पे आए, तो वो कैसे भगवान बताए कि हाँ मैं क्यों आता हूँ, क्योंकि मेरा जैसे ही भगवान का यश गान, अब आप सोचो भगवान में घमंड आ गया, उनका यश गान, बहुत लोग सोचते हैं उनका यश गान बंद हो रहा है तो भगवान अपना यश गान चालू कराने आए, इतना सस्ता नहीं है हमारे भगवान। लेकिन वो भगवान अच्छे से जानते हैं अगर ये यश गान मैंने चालू नहीं कराया तो ये फिर इस योनि में पड़ा रहेगा। तो भगवान क्या करते हैं, उनके बहुत सारे प्यारे भक्त भी हैं, उनको दर्शन देने के लिए, उनके साथ लीला करने के लिए भगवान आते हैं, और फिर
दोबारा बार बार जन्म लेते हैं। ये हो गया। फिर अब हमने लास्ट क्या पढ़ा, हमें गुरु के पास जाके क्या करना चाहिए, विनम्रता पूर्वक प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि वही जो है जो सत्य को जानता है। आज मैं गुरुद्वारे भी गई थी तो मैंने एक श्लोक पढ़ा, उसमें क्या लिखा था कि उसमें लिखा था कि कैसे हम जब गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु क्या करता, हमें हरि नाम देता। अब जैसे बहुत लोगों को शायद नहीं पता, नॉट कि किसको ही गलत है, ठीक है, जो जितना जिसको ज्ञान है उतना ही बताता है। तो हरि, कल परसों में गई थी, उसमें बहुत अच्छा श्लोक था, उसमें लिखा था हे मन गोपाल का भजन कर। इतनी बड़ी बात लिखी थी, गोपाल कौन है, भगवान कृष्ण ही है, तो गोपाल का भजन करने को बोल। और आप जो गुरु ग्रंथ साहब करो पढ़ोगे, जिसने नहीं देखा सुखमनी साहब 11,000 से भी ज्यादा बार राम नाम सिमर राम नाम सिमर, तो सारी चीज भगवान के ऊपर ही ले जा रहे हैं। मोहम्मद पैगंबर भी बोलते हैं मैं आपका क्या हूँ, मैसेंजर। और ये जो यीशु मसीह वो भी अपने आप को संतान बोल, सिर्फ हमारे कृष्णा ठोक के बोलते हैं अरे मैं भगवान, ठोक के छाती ठोक के बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन देख मैं परम पिता हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। अब हमारा जो अब भगवान क्या बता रहे हैं, जो हमारा आज का श्लोक है वो कैसा है, श्रद्धा वाल भते ज्ञानम तत्पर सन इंद्रिया ज्ञान लब्धवा पराम स शांति मदिरेणा दिगच्छति। अब भगवान को हम कैसे हासिल कर सकते हैं, भगवान को हासिल करने के लिए हमें श्रद्धा चाहिए, सस्ती श्रद्धा नहीं चाहिए। अब क्या होता है, हम लोग देखते हैं बहुत लोग भक्ति करने के लिए आते हैं, अरे हम तो गोपाल जी को घुमाएंगे, मैं ऐसे नहीं कह रही उनका भक्त भक्ति है ओके, फिर एक दिन घुमाते हैं, दूसरे दिन घुमाते हैं, तीसरे दिन की भक्ति फीकी हो जाती है, अरे अब कौन लेके जाएगा, कौन ढोएगा, रख देते हैं, उन्हें कुछ भी खिला रहे हैं, जो खुद खाना चाहते हैं वो भगवान को खिला रहे हैं, तो भगवान को हम अपने जैसा ट्रीट कर रहे हैं, भगवान मेरे जैसे, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान बहुत पवित्र है, उनको वही खिलाना चाहिए जो उनको भोग अर्पण होता है। तो श्रद्धा वाल भते ज्ञान तत्पर इंद्रिया, श्रद्धा वो वाली श्रद्धा जिसमें इंद्रिया हमारी क्या हो गई है, हमने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पा लिया है। और हमारी इंद्रिया कैसे, जैसे कि हमारी आंखें क्या करना चाहती है, सुंदर चीज देखना चाहती है। इस संसार में कोई भी आई थी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, आज मैं भगवान के भी विग्रह को काला कर दूं कोई नहीं देखेगा, अरे ये क्या कर रखा, भगवान को सुंदर बना। हम भगवान को भी उस वे में देखें क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों को इस तरीके से बनाया, सूंघना हमें बदबू वाली जगह पे ले जाओ फटाफट भाग गए, कानों से हम कानों से कैसी बातें सुन रहे हैं, गंदी बुराइयां हम गलत गलत चीजें सुनते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये जो स्किन, स्किन क्या चाहते हैं टच, तो हमारी जितनी भी इंद्रियां वो सब क्या चलती है, संसार की तरफ। अगर जिस व्यक्ति ने इस इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया तो उसकी श्रद्धा कैसे होगी भगवान की। अब आप क्वेश्चन आता है कि अरे भाई ऐसी श्रद्धा कैसे आएगी, अभी तो हम संसार में फंसे हुए हैं, वो तो धीरे धीरे आएगी, वो सिर्फ चैंटिंग से ही आएगी। कलयुग केवल कामनाम अधारा, भगवद गीता में भगवान जब उपदेश दे रहे हैं तो ये उपदेश इसलिए दे रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि घूम फिर के कहाँ है, सब कुछ मैं ही हूँ, जब तुम ध्यान से देखोगे तो सब कुछ ए टू जेड मैं हूँ। इसलिए भगवान जब भगवद गीता बता रहे हैं, भगवान की वाणी है भगवद गीतों में कि देख तू समझ, प्रोसेस को समझ, तू हरे नाम तो ले रहा है तो लेकिन तू प्रोसेस को समझ दे कैसे तेरी श्रद्धा ऑटोमेटिक। जब आप भक्ति में बहुत आगे लोग जाते हैं ना तो आप उन लोगों को देखना, वो जो लोग बोलते हैं चाहे उन्होंने कुछ पढ़ा हो, बहुत सारे भक्त है हमारे मेरे जानने में वो शब्द नहीं पढ़ते हैं वो, क्योंकि इतना ज्यादा चैंटिंग करते हैं बहुत सालों, वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जब मैं भगवद गीता खोलती हूँ, ये तो सही बात है। क्योंकि क्या होता है जब हम चैंटिंग भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो ज्ञान अपने आप प्रकट भगवान देते हैं कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, वो लोग से आया है हरि नाम। अब क्या होती है श्रद्धा वाल भते ज्ञान तत्पर ऐसेन्द्रिया ज्ञान लब्धवा पराम स शांति मदिरेणा दिगच्छति। जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, उसकी श्रद्धा भगवान में पूर्ण वाली श्रद्धा उत्पन्न होगी और वही इंसान शांति को प्राप्त कर सकता है। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक होता है भौतिक ज्ञान और एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान कैसा होता है, भौतिक ज्ञान होता है जिसमें सिर्फ कलेश ही कलेश है। अब हमें क्या करते हैं, हम लोग अब हम सब करते हैं, हम अपना एग्जांपल लेंगे, 25 साल तक सोचते हैं मैंने सोचा मैं डबल एमए करूंगी तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी, मेरा बड़ा सपना था डबल एमए करूंगा, डबल एमए कर ली क्या है, इतनी बीमार रहती है उसका कोई यूज ही नहीं साइड पे। फिर मैंने सोचा था अरे मेरी जॉब लगेगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, तब मैं भक्त नहीं, तो मैं जॉब के लिए पागलों की तरह लगी रही गंदी, कुछ हैप्पी नहीं थी, और मिली तो इतना निचोड़ दिया उसने कि अब जॉब करने की इच्छा नहीं रही। तो हम लोग खुशी ढूंढ रहे हैं इस संसार में, हम बड़ी बड़ी चीजों में ढूंढते हैं, लेकिन वो चीजें बड़ी बड़ी डिग्रियां आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। यार मेरे पास सच में लोग बोलते हैं ना कि डिग्रियों का कोई वैल्यू नहीं है, डिग्रियां मेरे पास रखी हुई है, मेरे पास इतनी डिग्री होने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिल रहा था,
तो डिग्री, लोग बोलते हैं ना डिग्री बनने के बाद डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, या ये डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सच में अगर आप भगवान की डिग्री लेते हो ना, तो वो डिग्री ऑटोमेटिकली काम करती है। आज आज मैं उन डिग्रियों को उठा के देखना भी नहीं चाहती, जिन डिग्रियों को पाने के लिए मैंने क्या नहीं लगा दिया जी जान, पूरी पूरी रात लगा दी, जिंदगी के 25 साल तो ऐसे ही गवा दिए। अब हम कोर्स करते हैं 2-3 साल, चलो जॉब मिलेगी, फिर जॉब मिलती है वहां निचोड़ देते, वहां से निचोड़ के आते तो घर पे गले। इस भौतिक संसार में सिर्फ और सिर्फ कलेश है, क्यों? क्योंकि हम क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, हम में से हर कोई अंदर से थका हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में क्या है, कलेश नहीं, उसमें बहुत सुख शांति है। इस संसार में किसी को भी बोलो कि अरे यार किसी शांति, कोई भी जब थक जाता है ना, वो एक ही चीज बोलता है, अरे मुझे किसी शांति वाली जगह पे, मुझे अकेले रहना, मुझे कहीं दूर जाना। तो हम लोग अंदर से खुद सब थक जाते एक मोमेंट पे आते, और हम क्या ढूंढते, एक शांति वाली व्यवस्था। लेकिन बहुत लकी होते हैं वो लोग, सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें हरि की शरण मिल जाती है, बहुत लोग दूसरी जगह चले जाते हैं। तो भगवान की शरण पाने के लिए बहुत सुकृति गेन होती है। रूपक गोस्वामी क्या बताते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कि 64 अंग है भक्ति के। हम देखते हैं ना कुछ कुछ लोग प्रणाम करते हैं, जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है, हम प्रणाम करते हैं, फूल दे दिए हमने, भगवान को फूल ऑफर किया, भगवान को प्रणाम कर लिए, यात्रा निकल रही है, दूर से देखा तुलसी माता को प्रणाम, की सुकृति गेन होती है। आगे जाके क्या करती है, हमारे हरि भक्ति को बढ़ाने का काम करती है। तो हमें सुकृति हासिल करते रहना चाहिए। तो अब हमारा ये, तो ये श्लोक क्या बताया कि भौतिक ज्ञान से इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान। लोगों को अभी क्या लगता है, अरे यार भक्ति क्या है, कुछ भी तो नहीं है, हरि नाम ही तो कर रहा है। उनसे पूछो क्या वो ले पाएंगे, कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके सौभाग्य में वो चीज भगवान दे ही नहीं सकते। उसे हासिल करने के लिए मेहनत चाहिए। मैंने अपने एक जानने वाले से पूछा था, मैंने कहा कि आप अगर भगवान के भक्त बन जाओगे तो हमारे स्कॉन वाले आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर देंगे। कहते कि मैं नाटक भी कितने दिन करूंगा, अपने मुंह से वो बोले मैं नाटक कितने दिन करूंगा, 2-3 दिन, मेरा हरि नाम में मन नहीं लगता। पैसे की बात है तो ओके, मेरी आवश्यकता पूरी हो, लेकिन मेरे से हरि नाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुकृति है ही नहीं। इस प्रकार भगवान का नाम हर कोई नहीं ले सकता। तो आप जब भगवान के शरण में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, और आप बिलीव करो कि भगवान आपको सब कुछ देंगे। क्योंकि हमने भी पर्सनल एक्सपीरियंस देखे लाइफ में, बहुत डाउन्स देखे, बहुत डाउन्स। और जब भगवान आपको कष्ट देंगे तो उसे सहने की हिम्मत भी देंगे। एक टाइम ऐसा होता था हम 3-3 दिन नहीं खाते थे, तो हम लोग अपनी बात बता रही, 3-3 दिन नहीं खाते थे और पूरा पूरा टाइम रहते थे, पढ़ भी रहे, स्कूल जा रहे, प्रॉपर कुछ नहीं हो रहा। तो वो भगवान जब आपको दुख देते हैं तो आपको उसको लड़ने की क्षमता भी देंगे, और जब आपको सुख देंगे तो उसको लेने की भी क्षमता देंगे। जैसे अर्जुन को पांडव कितना कष्ट दे रहे थे, वो लोग बोलते हैं भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कष्ट नहीं आने चाहिए। पांडवों को देखो, भगवान के बगल में रहते थे, बगल में रह के उन्हें इतना कष्ट मिला। हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, और हम सोचे भगवान हमें सब कुछ दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। भगवान को भगवान जरूर देंगे। जब प्रभुपाद जी 40 रुपए लेके गए थे तो प्रभुपाद जी को पहले दिन तो भोजन ही नहीं मिला, तो उन्होंने क्या बोला, जो कृष्ण की इच्छा नहीं। दूसरे दिन भी उन्हें बहुत मुश्किल से भोजन मिला। इतना वृद्ध व्यक्ति सिर्फ 40 रुपए के भरोसे, इनके भरोसे चला गया कि तू देख लियो, अब आप देखते ना, मैं आपके प्रचार के लिए जा रहा हूँ। और आज उन्हीं के नाम का पूरे विश्व में डंका बजता है। आप कोई भी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे ये नहीं पता होगा इस्कॉन क्या, इस्कॉन किसने बनवाया। ऐसे भक्त थे वो हमारे, और वो सुनो कोई नॉर्मल भक्त थे नहीं, वो मंजरी थे भगवान की। सुन, तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की हर आवश्यकता पूरी करते हैं, बट एक विश्वास होना चाहिए। हम लोग बहुत सारे लोग मंत्र पढ़ते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तवादि गौर भक्त वृंदा। तो हम ये क्यों पढ़ते हैं, इसके इम्पोर्टेंस मैं आपको एक मिनट में ही बता दूंगी। जय श्री कृष्ण चैतन्य, हम सबसे पहले कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। प्रभु नित्यानंद, फिर हम किसको प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु नित्यानंद जी को, प्रभु नित्यानंद आपको प्रणाम। श्री अद्वैत, अद्वैताचार्य कौन है, महाविष्णु और सदाशिव का क्या युगल लगता है। इस महाविष्णु सदाशिव कौन है, सदाशिव तो भगवान के वैष्णव, अद्वैत गदाधर, गदाधर कौन है, राधा रानी जी, चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। श्रीवास कौन है, नारायण गौर भक्त, वृंदावन के सब भक्तों, गौर जितने भी हरि के भक्त है वृंदावन के सभी भक्तों को। जब हम ये मंत्र पढ़ के हरि नाम शुरू करते हैं तो हमारे
कि माला करते तो हम इतनी अपराध करते हैं, पूछो मत, मैं अपनी भी बात बता रही हूँ, कहाँ ध्यान है माला कहाँ जाए। तो हमें ट्राई करते रहना, हमें हार नहीं माननी। हम भौतिक संसार में क्या करते हैं, रिकॉर्ड लिखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो भगवान हमें एक दिन रिजल्ट देंगे, हमें उन पर ट्रस्ट होना है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका। तुलसीदास जी जब वो उनका पिछले जन्म में जब उनसे बुलवाया जा रहा था नारद मुनि, बोलते मरा 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 करते करते राम राम पे आ गए। इतनी बड़ी उन्होंने बुक छाप दी, भले वो भगवान की लीला थी, बट फिर भी भगवान के नाम में बहुत ताकत है, ये हमें पता चलेगा। तो आपको जब भी हम भागवत गीता के श्लोक देते हैं तो कोशिश कीजिए उसे याद कीजिए, नहीं याद होता तो जिनसे आप हेल्प ले सकते लोग, क्योंकि जब आपको याद हो जाएगा, भगवान ना करे आपका नेक्स्ट बर्थ होता है या आप नेक्स्ट बर्थ में जाते हैं, तो वो जो आपकी यादें हैं वहीं आपके साथ चल जाएंगे, तो ये यादें आपके साथ जाएंगी तो आपको इजी आगे भक्ति कर पाओगे उससे। अब क्या होता है, एक सीसी में बड़ा अच्छा श्लोक है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे शुद्रे करे निश्चय, कृष्ण भक्ति कई सर्व कर्म कृत्य। श्रद्धा शब्द, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, निश्चय के साथ कृष्ण भक्ति जो करता है उसके सभी कर्म क्या होते हैं, पूरे होते हैं। उसे बहुत कर्म करने की जरूरत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बोलते कि अरे मैं तो ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, ये उनके लिए जैसे 4 घंटे सो रहे हैं, हम जैसों के लिए नहीं, अल्ले 6 घंटा सो रहे अलार्म बजता रह गया हो गया, हम जैसे लोगों के लिए, ये बहुत प्योर भक्तों के लिए जिन्होंने सब कुछ अपना कृष्ण को सौंप। तो भगवान क्या कह रहे हैं, वो बहुत ही कर्म नहीं भी करेगा तो क्या करूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करूंगा, जैसे अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने कृष्ण को चुना, भले अर्जुन उसे फ्रेंड समझ के चुना, लेकिन चुना उसने भगवान को, उसने सेना भी नहीं चुनी, क्योंकि उसको किस पे विश्वास था, अपने फ्रेंड भगवान के ऊपर, कि हाँ भाई ये मेरी रक्षा करेंगे, साक्षात कृष्ण है भगवान, इन्होंने पहले भी हमारी रक्षा की। तो हमें ऐसे ही विश्वास रखना है ताकि हमारे सारे कर्म पूर्ण हो जाए, और माफी जरूर मांगनी चाहिए डेली हमें कृष्णा से, हम नहीं मांगते, हमें कृष्णा से डेली माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम डेली बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी, मैं भी अपने लिए भी बोल रही हूँ, कल से मैं भी, मैं डेली ग्रुप में डालूंगी, डेली सब सॉरी बोलेंगे कृष्णा को, डेली सॉरी कि भगवान हमसे आज जो भी गलती हुई कल रात को, सोने से पहले सॉरी और उठने से पहले एक बार थैंक यू। अब हम करते हैं आगे क्या होता है, हाँ हमने प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ लिया, हाँ अब एक ना प्रसंग आता है महाभारत, अभी हमने इसमें पढ़ा ना कैसे भगवान कैसे क्या करते हैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ न्यौछावर। तो महाभारत में एक प्रसंग था, दुर्योधन, दुर्योधन का एक सेवक था, उसके पांव दबाता था, तो एक दिन क्या हुआ, उसको हरि नाम में मस्त हो गया। कहते हैं कि समटाइम्स क्या होता है, हम बहुत सारी गलत चीजें देखते हैं, हम स्टॉप हो जाते हैं कि चलो हम साथ देंगे तो हमारे साथ वो बंदा कुछ कर देगा। तो हरि, दुर्योधन के साथ बहुत सारे सेवक जो थे वो हरि सेवा में लगे, तो उनमें से बहुत मगन हो गया हरि सेवा में, तो वो अगले दिन दुर्योधन की पैर दबाने नहीं गया। तो क्या हुआ, अब दुर्योधन के पैर नहीं दबाने जाएगा, वो तो उसके परेशान करेगा, लेकिन क्या हुआ, भगवान उस सेवक का रूप धारण करके दुर्योधन के पैर दबा दिए और वहां हरि नाम में मगन। तो इस प्रकार उसने किसी चीज की चिंता नहीं की कि दुर्योधन मेरा क्या बिगाड़ देगा, उसने ये सोचा मेरा हरि मुझसे नाराज नहीं है, वो हरि में लगा रहा, यहाँ उसकी सेवा भी हो गई। अगले दिन जब वो गया दरबार में तो लोगों ने बताया, अरे आप तो कल ही तो आए थे, तो वो बोलने वाला ही था कि मैं तो आया ही नहीं, तो इससे पहले उसने लोगों ने बता दिया, अरे आप तो कल आए, तो क्या समझ गया, ये काम मेरे कृष्ण का है, उसने मेरे काम को आसान किया। श्रीवासा पंडित ने क्या किया, श्रीवासा पंडित ना भगवान का नाम ले रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, चैतन्य महाप्रभु करे, श्रीवास पंडित क्या कर रहे हो, घर चलाना है, आमदनी कमाओ, घर से बाहर जाओ, जॉब करो, मतलब आमदनी कमाओ, घर से बाहर जाओ, कुछ काम करो। तो श्रीवासा पंडित ने क्या किया, 1 2 3 थ्री टाइम्स श्रीनिवासा पंडित ने ताली मारी। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ये क्या कर रहे हो, तो श्रीनिवासा पंडित बोले, पहली ताली का अर्थ है मैं एक दिन भूखे रह जाऊंगा ना चैतन्य महाप्रभु, कोई बात नहीं, ये किसकी इच्छा है, हमारे कृष्ण की इच्छा है। फिर श्रीनिवासा पंडित ने दूसरी ताली जब मारी तो पता है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ अगर मैं दूसरे दिन भी भूखा रह जाऊंगा तो ये मेरी कृष्ण की इच्छा है। फिर उसने जब तीसरी ताली मारी तो उसने बोला, मैं तीसरे दिन भी भूखा रह जाऊंगा ना तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ गंगा जी में डुबकी लगा लूंगा, और ये भी किसकी इच्छा होगी, कृष्ण इच्छा। क्या किया है, तो वो बहुत बड़े भक्त, हम तो ऐसे भक्त नहीं, और हमें ऐसा ट्राई नहीं करना है, ये आप ही मत सोचिए कि आपके ट्राई करने के लिए, समय सीख मिलती है, देखो कैसे भक्त, ऐसे नहीं बनते भगवान के भक्त,
हम सोच ले नहीं हम माला जप करेंगे हम ये हमें ये पदवी मिल जाए, उस पद ब्रह्मा जी ने भी उस पदवी को हासिल करने के लिए न जाने कितनी तपस्या की तब जाके वो पदवी पदवी उन्हें प्राप्त होती है। तो ऐसे तीसरी ताली में जब उन्होंने बोला मैं गंगा जी में डुबकी लगा लूंगा और अपने पूरे परिवार के साथ, तो भगवान क्या बोले, भगवान बोले हो सकता है लक्ष्मी माता कृपा ना करे, वैभव लक्ष्मी ना आए। तो उन्होंने क्या बोला, जहाँ आप हो और वहां लक्ष्मी माता ना आए सर कभी, तो भगवान जहाँ कृष्ण है वहां लक्ष्मी, जहाँ लक्ष्मी को आप अकेले बुलाते हो दिवाली पे, देखते हो बहुत लोग क्या करते हैं, हम भी करते थे ये सब हमने कर रखा, चलो टचोड अब तो समझ आ गया। तो हम लोग क्या करते, खाली लक्ष्मी माता को बुलाते आओ माँ लक्ष्मी आओ कृपा करो कृपा, कृपा कैसे करेंगे, एक वाइफ एक चेस्टी वाइफ एक लविंग और केयरिंग वाइफ अपने हस्बैंड के बिना कैसे कृपा, वो तभी कृपा करती है जब उनके हस्बैंड की पूजा होती है क्योंकि वो उनकी सेविका है, उन्होंने कभी उनको अपनी वाइफ हस्बैंड के रूप में भी नहीं देखा, सेवक एक सेविका ने आपको सेवक समझ के किया है। तो मालिक को जब वो देखते हैं मेरे मालिक को पूजा जा रहा है, तो फिर फॉर एग्जाम्पल आप देख लो आप किसी के घर जा रहे हो आपके मम्मी पापा को निकाल दें और आपको कोई प्रणाम करता है, क्या आपको वो घर अच्छा लगे कि मेरे माँ बाप को तो कर दिया तो मुझे दे। तो ऐसे हमें अपने भगवान को कभी साइड नहीं करना, हमें भगवान को फ्रंट में रखना है। आप अपने मालिक को फ्रंट में रखोगे वो आपको फ्रंट में रखेगा, इतनी जगह आप सोच भी नहीं सकते हो ऑटोमेटिकली आपके सारे काम। तो भगवान में हमें क्या लाना है, श्रद्धा विश्वास, जो कि आएगा, अभी इतना जल्दी नहीं आएगा, आएगा। हम सोचे एक ही दिन में सब कुछ होगा, एक साल में सब कुछ होगा, सालों लग जाते हैं, तो हमें टाइम लगेगा बट जरूर आएगा। अगर आपका भाव और श्रद्धा विश्वास बहुत पूर्ण है तो हो सकता है बहुत जल्दी आए लेकिन आएगा। अब क्या कहते हैं, दो प्रकार की श्रद्धा होती है, एक क्या होती है लौकिक श्रद्धा और एक होती है परलौकिक। एक श्रद्धा बहुत कॉमन होती है, कॉमन श्रद्धा मीन्स हम देखते हैं बहुत लोग भगवान में बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं, मैं भी थी पहले ऐसे, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद अरे यार भगवान ने ही ऐसा किया मुझे ये नहीं चाहिए, भगवान ने ही गलती की भगवान से मुझे बात नहीं करनी, तो हम लोग क्या करते हैं छोटी छोटी। तो ये लौकिक श्रद्धा जो जिसमें हमारी भक्ति क्या होती है खत्म होने लगती है, परलौकिक श्रद्धा होती है जिसमें हम कुछ भी सिचुएशन है हम क्या बोलते हैं कृष्ण की इच्छा सब अच्छा, लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं लौकिक श्रद्धा में कि मेरी इच्छा तो सब अच्छा, लेकिन परलौकिक श्रद्धा में कृष्ण इच्छा तो सब अच्छा। तो परलौकिक श्रद्धा बहुत अपर लेवल पे है, तो इस प्रकार हमें परलौकिक श्रद्धा वाले लोगों से कांटेक्ट में रहना चाहिए। अब आपके ये आ गया कंप्लीट हुआ, आप हम एक और पढ़ेंगे कि कृष्णा, हाँ तीन प्रकार के लोग जो हैं भगवान के पास नहीं जाते हैं वो कौन से हैं, अज्ञेय। अज्ञेय क्या होते हैं, जो भोग करना चाहते हैं, जो सुबह शाम के लगे रहते हैं भोग में, जिन्हें यही नहीं पता भगवान कौन है, जिन्हें यही नहीं पता शास्त्र क्या है, तो उनको अज्ञेय बोलते हैं। अब अज्ञेय कैसे होते हैं, जैसे अजामिल भी था, अजामिल क्या कर रहा था, इतने पाप कर रहा था, भक्ति की थी उसने, ये आप कोई भी नहीं बोल सकता कि हम भी एक बार हरि नाम ले ले तो हमें फल मिल जाएगा, ना वो पहले भक्ति था, वो ब्राह्मण था, तो इंद्रिय थे उसके कुछ पूर्व जन्म के कृत्य थे जो उसके अपर आ गए, उसकी इंद्रियां भटक गई और वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन उसने एक काम क्या किया, साधु संघ किया, साधु संघ में उसने साधु संघ में से क्या बोला कि आप अपने पुत्र का नाम क्या रखें, नारायण, नारायण बुलाता था अपने बच्चे को, तो हम कितने प्यार से बुलाते हैं, भगवान को भी इतने प्यार से नहीं बुलाएंगे, किसी को भी जिनसे प्यार रखते हैं कितने प्यार से बुलाते हैं, अरे कोई भी हो गोविंद हो, हम कितने सीता दी हम सबको प्यार से, लेकिन यही हम भगवान के आगे बुलाते नहीं बुला पाते क्यों, क्योंकि हमारा उतना भाव जगाता ही नहीं, तो इसलिए हम सब बोलते हैं कि हम अपने बच्चों के नाम अपने फ्रेंड सर्कल के नाम भगवान के नाम पे रखें, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में क्या करते हैं हम लोग उनके नाम के थ्रू भगवान का नाम ले रहे हो। तो अब क्या होता है अज्ञेय, अज्ञेय अब अजामिल ने क्या किया, बहुत भक्ति कर रहा था, लास्ट मोमेंट पे उसने क्या किया गलत रास्ते पे गया और फिर उससे भक्ति करना स्टॉप करके वो लस्वी हो गया, अब वो भोग कार्य में लग गया, फिर नारायण नारायण बुलाया तो भगवान आए विष्णु, फिर उसे भक्ति करने का भी मौका मिला, फिर हरिद्वार में वहां पे जाकर उसने भक्ति की, कई साल तक तपस्या की 88 वर्ष, तो इस प्रकार उसकी फिर भक्ति सफल हुई। तो ये वो अज्ञेय है, तो ऐसे लोग चलो अब ये तो अज्ञेय हो गए जिन्हें जो शास्त्रों के बारे में ज्यादा नहीं पता था। फिर आता है आपका अक्षदान, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं लेकिन कुछ कुछ मान रहे हैं कुछ कुछ नहीं मान, ये मेरे हिसाब से सही है तो ये मेरे हिसाब से सही है, ये मेरे हिसाब से गलत है तो मेरे हिसाब से, कृष्ण जो कह दिए वो सही है, चाहे हमें मान हमारे मानने ना मानने से तो वैसे भी फर्क पड़ेगा ही, लेकिन हमारी भक्ति डाउन हो जाएगी। तीसरे प्रकार के लोग क्या होते हैं, संशयात्मक, वो क्या करते हैं
संशय करते हैं, अरे ये तो चार लोग हैं, देखो गौड़ी मठ क्या कर रहा है और इस्कॉन वाले क्या कर रहे हैं, दोनों में कमी निकालते रहते हैं, वो देखो उसे देखो, तो गौड़ी मठ वाले क्या कर रहे हैं, इस्कॉन वाले क्या बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस प्रकार हम क्या करते हैं, अपराध करते हैं, संशय कर, हम सबका रास्ता एक ही चल रहा है, लेकिन हमको यही नहीं पता कि हम एक दूसरे को वैष्णव अपराध में करके हम अपने लिए डाउन फील कर रहे हैं। कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है। हम सबका रास्ता गोल एक ही है, कृष्णा को, कृष्णा भी देखेंगे तो वो हैप्पी होंगे, चलो इन्होंने कुछ कुछ रास्ता भी चेंज किया कोई बात नहीं, लेकिन आने का रास्ता तो मेरी तरफ प्यार से ही तो आ रहे हैं सारे, क्योंकि सबको अगर हम सब भी वहीं जाएंगे तो हमें प्यार, अगर हम यहीं जीते जी इतना एक दूसरे से घृणा करेंगे तो हम ऊपर जाके क्या करेंगे, भगवान लेंगे ही नहीं, रख तू अभी नीचे ही रह, तो अभी इनसे घृणा कर, अभी मेरे पास टाइम नहीं कि मैं तुझे वहां अपने पास लेके आऊँ, फिर भगवान यहाँ भेज देंगे और फिर सड़ते रहो यहाँ पे। इस संसार में बहुत ज्यादा कष्ट है और हमारी परमानेंट हैप्पीनेस किस में है, कृष्णा में है। असली सुख हमें कौन दे सकता है, भगवान श्री कृष्णा ही दे सकते हैं, और किसी में इतनी ताकत नहीं है। क्या होता है जैसे शब्द, भगवान क्या होते हैं, सभी भोगों के स्वामी है, सभी यज्ञों के स्वामी, उन्हें हर चीज अर्पण होती है। फिर क्या भगवान कैसे बताते हैं, भगवान बोलते हैं जैसे कुछ भी भोग लगाते हैं, यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुचिंते सकिल बशे बुझते ते तो गम पापम, ये पंचत काम कर रहा है, जो मुझे भोग लगा के नहीं खा रहा है वो क्या खा रहा है, पाप खा रहा है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, भगवान को भोग लगा के ही हमें सब कुछ खाना है। नई परिस्थिति बन रही है, तुलसी पत्ता रखिए भोग लगा हुआ, जैसे भी आप उसे उसमें यूज करके, फिर भगवान बहुत सारा बताते हैं कि जैसे क्या प्रकृति क्रिया, हम लोग क्या करते हैं इस प्रकृति में, हम सब लोग अहम में जुड़े हुए। जब भगवान क्या कहते हैं, रावण मरा था, तो रावण के मरने के बाद क्या बोला गया था कि आत्मज्ञान महान महान ब्राह्मण महान विद्वान महाज्ञानी रावण मारा गया, तो भगवान राम ने क्या बोला था, भगवान ने बोला था विद्वान महाविद्वान ब्राह्मण सभी शास्त्रों का ज्ञाता सभी वेदों का ज्ञाता रावण को मैंने मैंने नहीं मारा, उसको मैंने मारा, अहम ने मार दिया। तो उसको इतना अहम हो गया था कि राम कौन, वो जान चुका था, उसको उसकी वाइफ आके टोक रही थी लेकिन नहीं समझ। तो इस प्रकार जब हम भगवान को नहीं करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमें हमारा अहम हमें खुद मार देता, हम नहीं, तो भगवान बहुत ज्यादा उच्च लेवल पे होते हैं। तो अभी हम अपना क्लास एक मिनट अभी हम अपना क्लास यही स्टॉप करते हैं। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, नहीं पूछना है, नहीं पूछना है। बहुत अच्छी क्लास थी, आपने बहुत अच्छा बोला, सब आपकी तो आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी। मैं वीडियो मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं इसे प्यार रखती हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ, दीदी बहुत ज्यादा प्योर भक्त है और बहुत अच्छे से पढ़ाती है, तो आप सबको बहुत साक्षात मिलता है कि आप ग्रुप में रहते हो, दीदी आपको बोलती भी है कि पढ़ो चलो प्रेजेंटेशन, मैं बहुत सारा क्लोन कोर्स किया इससे पहले, कोई भी इतना कोर्स करता था लो चलो पढ़ो, पर दीदी आपको बुलाएंगी, दीदी आपको बोलेंगी, दीदी अगर आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपके पास एक प्योर डिवोटी है जो आपको इतने प्यार से ट्रीट कर रहा है, तो आप उसको पढ़ो क्योंकि यही है आपकी काम आएगा, लास्ट टाइम पे बहुत काम आएगा। टीवी से बना के रखो, आगे मक्खन मिलेगा। कृपा सिंधु पतिता नाम पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नाथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय श्री राम। चलो हाँ तुम एंड करो, होस्ट हो एंड करो।